नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नेशनल टुडे 24 में। और इस वक्त की खबर फरखाबाद से बताई जा रही है, जी हां, इस वक्त की खबर फरखाबाद से आ रही है। खबर का जबरदस्त असर, आपको बता दें, कोरोना काल में नाइट कर्फ्यू में बंदी के दौरान देर रात गेट के नीचे से शराब बिक्री की खबर प्रमुखता से चली थी। इस खबर के चलने के बाद एसपी अशोक कुमार मीणा ने संज्ञान लिया। सीओसीटी नीतेश कुमार को शराब ठेकेदार के ऊपर मुकदमा लिखने व पिकेट ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों पर कार्यवाही के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह रात्रि कर्फ्यू घोषित होने के बावजूद फरखाबाद जिले में शराब के शौकीनों को बैकडोर से शराब उपलब्ध कराई जा रही है। जिले में दोगुने दामों पर शराब की बिक्री हो रही है। पुलिस की मिलीभगत से चल रहे धंधे में माफिया मोटा मुनाफा कमा रही है। थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के पास शराब की दुकान खोलकर बिक्री की जा रही थी, जिसका किसी राहगीर ने रात्रि में अवैध रूप से शराब बिक्री का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि अवैध रूप से शराब बिक्री का ये वीडियो कोई नई बात नहीं है, लेकिन पुलिस की नाक के नीचे शराब माफिया किस कदर बेखौफ होकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये वीडियो में साफ दिख रहा है। वहीं देसी शराब के अधिकतर ठेके शराब सिंडिकेट चलाने वाले पीयूष जायसवाल के होने के चलते पुलिस और आबकारी विभाग भी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं करता। जिले में फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद सीओसीटी नितेश सिंह मामले का संज्ञान लेकर ठेका संचालक के खिलाफ कार्यवाही के लिए आबकारी विभाग को निर्देशित कर रहे हैं। वहीं आबकारी विभाग अब ठेका संचालक के खिलाफ क्या कार्यवाही करता है, ये देखने वाली बात है। फरखाबाद से रघुवंश दुबे की रिपोर्ट। वायरल हो रही ये वीडियो क्लिप, जिसमें मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र में एक शराब की दुकान से अवैधानिक कार्रवाई की गई है, इस संबंध में जांच की गई तो तथ्यों के अनुरूप सही पाया गया। और उसी परिपेक्ष में निरीक्षक अबकारी के द्वारा प्रशमन की कार्रवाई की गई है और निरीक्षक मऊ दरवाजा के द्वारा कोविड एवं अन्य धाराओं में अभियोग पंजीकृत कार्रवाई की जा रही है तथा संबंधित पुलिसकर्मी के द्वारा स्पष्टीकरण लिया गया है। जो भी दोषी होगा उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।